तीन ऐसी चीज़ें जो केवल उन्हीं लोगों के साथ घटित होती है जिन्हें ब्रह्मांड स्वयं चुनता है। एक प्रकार से यह तीन प्रकार की घटनाएं यूनिवर्स का विशेष संकेत होता है, पर अधिकतर लोग इसे समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है यह उनका दुर्भाग्य है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वहां जन्म से ही नकारात्मक सोच स्वाभाविक हो जाता है। तो चलिए जानते हैं उन विशेष घटनाओं के बारे में। पहली घटना, ऐसे लोगों का प्रारंभिक जीवन अत्यधिक संघर्षशील होता है। उन्हें बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें कई बार असफलता से गुजरना पड़ता है। अब आप सोचोगे, ऐसा इनके साथ क्यों होता है? तो इसका उत्तर है, जिन लोगों को बड़े उद्देश्य दिए जाते हैं उन्हें यह प्रकृति मजबूत बनाने के लिए बड़ी चुनौतियां देती है। जिस प्रकार एक योद्धा जितना परिश्रम करता है उतना ही अधिक युद्ध में सफल होता है, उसी प्रकार एक आत्मा को जितना अधिक चुनौतियों से होकर गुजारा जाता है वह उतनी अधिक अनुभवी और मजबूत हो जाती है। दूसरी घटना, ऐसे लोगों के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उनके सबसे भरोसेमंद लोग उन्हें धोखा देते हैं या साथ छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि वह यह सीख सके कि उनको किसी भी एक व्यक्ति या वस्तु से खुद को अत्यधिक नहीं जोड़ना है। तीसरी घटना, ऐसे लोगों को कई बार शारीरिक कष्ट से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि वह समझ सके कि उन्हें सबसे पहले खुद से प्रेम करना आना चाहिए। वह खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखे। कई बार आध्यात्मिक मार्ग में शारीरिक कष्ट ऊर्जा के बढ़ने के कारण भी होता है, जिनका अर्थ होता है व्यक्ति को सभी चीजों में जीवन में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। तो यह तीन वह घटनाएं होती है जो उनके साथ होती है जिन्हें यूनिवर्स एक महान उद्देश्य के लिए चुना होता है। और जब वह लोग अपने उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं तब पूरी प्रकृति उनका संयोग करती है। ऐसे लोग समाज में वह शोहरत हासिल करते हैं कि कई पीढ़ियां उनका नाम इज्जत से लेती हैं। यदि आप उदाहरण जानना चाहते हैं तो वह कुछ इस प्रकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अहिल्या बाई होलकर, स्वामी विवेकानंद, नेल्स मंडेला, महात्मा गांधी, महावीर दास इत्यादि जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सभी को इन तीन घटनाओं से होकर गुजरना पड़ा है और प्रकृति की सभी परीक्षाओं को पार करना पड़ा है। यदि आपके साथ ऐसी घटनाएं होती है तब आपको निराश नहीं होना चाहिए।
बल्कि आपको सभी चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। खुद को भाग्यशाली समझिए, क्योंकि आपको एक महान उद्देश्य के लिए प्रकृति ने स्वयं चुना है। आप में अवश्य ही वह गुण विद्यमान है जो दूसरों में नहीं है। आप खुद को कम समझने की भूल कदापि ना करें। आप प्रकृति के किसी खास उद्देश्य के रचयिता हैं। आपके अंदर कुछ ऐसे गुण रहस्य है जो अभी आप नहीं जानते। प्रकृति के सभी संकेतों को समझे और उनके निर्णय का पालन करें, तभी आप ऊंचाइयों के सर्वोत्तम शिखर को छू पाएंगे। राइटिंग बाय आरती। तो बताओ, क्या आपको यह संकेत मिलते हैं? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? कमेंट करके बताना।